नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। सोमवार शाम को उस समय विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन में अफरा तफरी मच गई जब एक लड़की ने लड़के के ऊपर विवाद के चलते तेजाब फेंक दिया, जिससे युवक का चेहरा झुलस गया, जिसे आनन फानन में शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घटना से मची अफरा तफरी में यात्री भी चोटिल हुए हैं। सोमवार शाम 7 बजे विंध्याचल एक्सप्रेस गंज वासुदा स्टेशन के आउटर पर 20 मिनट तक खड़ी रही विंध्याचल एक्सप्रेस में अफरा तफरी और चिल्लाने की आवाज़ जोर जोर से आ रही थी। बताया जा रहा था कि ट्रेन में आग लग गई, लेकिन जब जीआरपी और आरपीएफ के पुलिस के जवान ट्रेन के पास पहुंचे तो बताया गया कि प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर विवाद हो गया, जहाँ एक लड़की ने लड़के के ऊपर तेजाब फेंक दिया, युवक का चेहरा जिससे झुलस गया। युवती भी घटना को अंजाम देकर 9:00-11:00 हो गई। जीआरपी पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। युवक सचिन साहू गंज वासोदा का निवासी बताया जा रहा है और इसका इलाज शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं जीआरपी प्रभारी जी एस इंडोदिया ने बताया कि फिलहाल मामला जाँच में ले लिया गया है। लड़का अभी कुछ बोल नहीं पा रहा है, लड़की की भी तलाश जारी है। फिलहाल घटना से शहर में सनसनी बनी हुई है। 10/1/2022 को ट्रेन भोपाल विंध्याचल चलती है, जो जिसके D4 में एक यात्री के पास सिर पे तेजाब डाल दिया लड़की ने, आउटर सिंगल के बाहर पुल के पास। कौन है लड़का? लड़के का नाम है सचिन साहू, बाप का नाम फूल सिंह, उम्र 30 साल, कर्मा देवी त्राहाया पचवा रोड गंजवासी। लड़की के बारे में कुछ जानकारी? लड़की के बारे में लड़के से पूछताछ की गई तो लड़का बताने को तैयार नहीं है अभी वर्तमान में। अभी फिलहाल कहाँ पे है लड़का? सरकारी हॉस्पिटल गंजवासदा में है। और एक यात्री के लगी है जिसने आग आग देख के कूदने की कोशिश की। यात्री का क्या नाम है सर? यात्री का नाम है प्रेमाबाई, वाइफ ऑफ विजय, उम्र 20 साल, जाति बंसल, निवासी दमोह की है, हरुआ सड़क। सर उस युवती के बारे में क्या यानी है, अभी पुलिस की गिरफ्त में है, कहाँ है? नहीं, लड़की का तो कोई पता ही नहीं साहब, अभी लड़का नहीं बता रहे कौन लड़की है। अच्छा, और अभी पुलिस की कोई नहीं, पुलिस अभी लड़के जब बताएगा उसके बाद कोई अपराध काम होता है या कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड है। कहाँ की सर? ये आउटर पुल है ना अपना, बेतौली फाटक के आगे जो पुल बना है उसके पास की है। आपको कब सूचना मिली सर मौके पर? हम मौके पर तुरंत पहुँच गए थे, जैसी गाड़ी वहाँ चैन पर हुई पहले सुना कि आग लग गई तो आग तो बाहर जल रही थी, लेकिन जब यहाँ आई तो देखा उस बोगी में आदमी मिला जिसको उतारा तो उसने अपना नाम पता बताया। तो लड़के को कितनी चोट पहुंची? सिर में केवल चेहरे पर चोट है, ऐसा लगता है प्रेम का मारा हुआ लड़का है। ठीक। मेरे पास अभी तक 4 इंजर्ड आए हैं, जिनमें से एक 30 वर्षीय पुरुष है जिसको चेहरे पे और हाथों पे जला हुआ है, साथ ही साथ उसके सर के बाल भी जले हुए हैं, तो उसको पहले अभी हॉस्पिटलाइज किया है। बाकी 2 महिलाएं आई हैं जिनको हल्की फुल्की चोट है, एक बच्ची भी आई है इसको हल्की फुल्की चोट है। जीआरपी पुलिस के द्वारा इनको लेके आया गया है। कुछ पूरी जानकारी मेरे को भी नहीं, लेकिन जो बर्न हुआ है तो बताया गया है कि किसी अननोन केमिकल की वजह से लड़के को चेहरे पर और हाथों पर बर्न हुआ है, किसी ने जलाया है, तो उसके लिए CMLC की गई है। और उसके बालों के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया गया है बर्न के लिए, तो उसके लिए जाँच के लिए भेजा गया है। देखिए, उसके बालों में से और कपड़ों में से ऐसे किसी विशेष केमिकल की स्मेल नहीं आ पा रही है, इसलिए उसके बालों को जब्त किया गया है। हालांकि किसी केमिकल की वजह से ही इसकी बर्न हुई है, चेहरे पे और हाथों पे जो जला हुआ किसी केमिकल की वजह से ही है। क्या लगता है सर, ये जो है प्रथम दृष्टया में तेजाब हो सकता है या कोई और दूसरा केमिकल हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है इसके लिए, इसलिए अपने उसके बालों के लिए जब्त करके अपने जांच के लिए भेजा है, क्योंकि ना तो मिट्टी के तेल की स्मेल आ रही है, ना ही किसी पेट्रोल की स्मेल आ रही है, जो अभी नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं ऐसी स्मेल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा इस चीज़ के लिए। लेकिन तेजाब से जलने का एक अलग खाल के ऊपर असर आता है, इस तरह का आपको लग रहा है? नहीं, सुपरफिशियल बर्न है, इतनी डीप बर्न नहीं है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में सर के बाल भी जले हुए हैं, तो ये एक जांच का विषय है कि जो भी वहाँ पे जो एविडेंस हैं वो सब चीज़ें क्लियर बता पाएंगे आपके लिए। बाकी अपन ने MLC करके उसके लिए जांच के लिए अपन ने उसके बालों को जब्त किया है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट।
और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।